शामिल होंगे। खबर चूरू से है, जहां चूरू जिले के नगर परिषद आयुक्त और सभापति के बीच चल रही घमासान के बीच सोमवार को भाजपा पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा नेता हरलाल सारण ने कहा कि 2 साल में नगर परिषद में 11 आयुक्त का यहां तबादला हो गया। इसका मतलब साफ है कि या तो ये सब अधिकारी भ्रष्ट हैं या सभापति पायल सैनी भ्रष्ट है। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष विमल गढ़वाल मौजूद रही और कहा बरसात का मौसम है, नगर परिषद को शहर की सफाई व्यवस्था और नालों की साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। सभापति महोदय, आप घर में बैठे एसी में बैठे हो, बाहर निकलो, गहनाणी को देखो, 3 पंप से 2 पंप बंद थे। एसडीएम ने बाकायदा अखबार में छपी ये बात, इसको पता ही नहीं है कि पंप कैसे चल रहे हैं, क्या कहां क्या हो रहा है। इन्होंने सिर्फ एक ही काम कर रखा है, दर्जन भर आयुक्त तो 1.5-2 साल में चेंज कर दिए, और दर्जन भर आयुक्त चेंज करने का मतलब है भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। जो अधिकारी का काम नहीं करता उसका ट्रांसफर कर दिया सरकार ने किए। खबर जयपुर से है, जयपुर के मारा